हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिरेकल मास्टर। तो आज हम लोग 50 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं उसका टेक्निक देखते हैं। बहुत ही यूनिक टेक्निक है, बहुत ही रोचक लगेगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। और 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर का यदि तरीका आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा, उसको जाके देख लीजिए। तो देखिए 50 से 60 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 50 से लेकर 100 तक के स्क्वायर का जो टेक्निक है उसका मूल आधारभूत फॉर्मूला जो है उसको देखिए। मान लीजिए 50 से 60 का भी कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 से 60 के बीच 5 का स्क्वायर होगा, 60 से 70 रहता तो 6 का स्क्वायर, 70 से 80 रहता तो 7 का स्क्वायर। तो जिसका करेंगे जितना का बेस का उतना का स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए x, x क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 51 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। x यूनिट डिजिट बताता है, मतलब 50 से 60 के बीच 1 से 9 x हो सकता है, 60 से 70 1 से लेकर 9 मतलब 11 से लेकर 19 एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो एक्स का वैल्यू है। तो बस अब 5 है 25 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर राइट साइड में हमेशा हम टू डिजिट डालते हैं तो 0 पहले पुट कर देंगे। तो 25 और 1 26 01, ये मेरा आंसर हो गया 51 का स्क्वायर। देखिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 56 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 6, एक्स कितना है 6 यूनिट डिजिट, और यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर दैट मीन 6 का स्क्वायर। तो 5 है 25 प्लस 6 और 6 6 36, 25 और 6 31 और यहाँ पर 36, 31 36 56 का स्क्वायर हो गया। देखिए कितना इजी है। तो इस तरह से आप 51 से लेके 59 तक का स्क्वायर आप करिए। अब हम लोग 60 से 70 का स्क्वायर कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसमें भी वही 6 का स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर 11 से लेके 20 का स्क्वायर होगा, 11 से लेके 20 का स्क्वायर कैसे देखिए। 62 एग्जांपल ले लिए तो 62 में 6 स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर 62 मतलब 12 का स्क्वायर, 62 मतलब 12 का स्क्वायर, वहाँ पर 52 था तो 2, यहाँ पर 62 मतलब 12 मतलब 50 से जितना ज़्यादा रहेगा राइट हैंड साइड में उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पर 67 रहता तो 17 का स्क्वायर, यहाँ पर यदि 87 रहता तो 37 का स्क्वायर। तो ये है मेरा इसमें ट्विस्ट। तो 6 6 36 प्लस 2 और यहाँ पर 12 का 144, तो 4 4 टू डिजिट आ गया और 36 और 2 38 4 4 ये मेरा आंसर हो गया। बोलिएगा इसमें 1 को कहीं नहीं लिए। 60 से लेकर 70 में यही एक ट्विस्ट आपको याद रखना है कि 1 माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, दो डिजिट के बाद यहाँ पर जितना भी अंक रहेगा उसमें 1 माइनस कर देना। तो 1 माइनस कर दिए तो कुछ नहीं बचा, इसलिए 3 8 4 4 लिखे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए 67 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पर 67 है इसलिए 17, 50 से कितना ज्यादा है 17 17 तो 17 का स्क्वायर। तो 6 6 36 प्लस 7 और यहाँ पर 289, तो राइट हैंड साइड का टू डिजिट ले लिए, 36 और 7 43 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 है, टू डिजिट के बाद जितना भी संख्या यहाँ पर रहेगा उसमें 1 माइनस करके LHS साइड में ऐड कर देंगे
तो दो में एक घट गया, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तीन रहता तो दो ऐड हो जाता, पांच रहता तो चार ऐड हो जाता, तो 43 और 1 44 और इधर 8 9, ये मेरा स्क्वायर हो गया 67 का। तो इस तरह से आप 61 से लेकर 70 तक के स्क्वायर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में है जो बहुत ही यूनिक लगेगा आपको, तो उसको भी जाके देखिए।